जिला इंतजामिया पुंछ की ओर से दिए गए ऑर्डर पर सख्ती बरती जा रही है, पर लोग बिना वजह घरों से बाहर दिखाई दे रहे हैं। आज पुंछ बाजार में बहुत ही भीड़ दिखाई दी, लोग किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखे। इस पर जिला पुंछ के सामाजिक लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वह इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो आने वाले समय में हम सभी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पीएनआई के लिए पुंछ से सनी शर्मा की रिपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है लॉकडाउन का प्रबंध किया है। तो रहा मसला कि जब तक इनको सही तरह टाइट नहीं किया जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतना ये आ सकेंगे इस हिसाब में। तो मेरी गुजारिश रहेगी खासकर बैंकों में जो है वो सख्ती की जाए और जो आने वाले हजरात हैं उनको जो है बाहर से जो एंट्री पॉइंट है उस पर सख्ती की जाए, और ताकि जो ये लोग हैं सिर्फ जिनको जो ज़रूरत की शिया लेनी है उन्हीं को अलो किया जाए, मरीज़ों को अलो किया जाए, और दीगर जो ये औरतें या दीगर जो हजरात ये बगैर काम के ये मार्केट में घूमते हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए। मैं फिर अपनी तरफ से जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही तंग अच्छी दूरंदेशी के साथ लॉकडाउन का प्रबंध किया है। अल्लाह हाफिज़। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब, एसएसपी साहब, एसएचओ साहब, एसआई साहब वगैरह, इन सभी का काफ़ी अच्छा रोल है। लॉकडाउन के बीच में जो कुछ थोड़ी बहुत ही रिलैक्सेशन दी है इन्होंने, तो लोगों को इन्होंने बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। लेकिन दुकानदार तो सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सोशल डिस्टेंस में रहें, लेकिन जो लोग हैं लोग बिल्कुल भी नहीं मानते इस चीज़ को। लोग जो हैं सोशल डिस्टेंस का जो है वो पालन नहीं कर रहे हैं, इनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ पे भी कोरोना की बीमारी दस्तक दे जाए। अगर एक बारी हमारे यहाँ पे कोरोना की बीमारी ने दस्तक दे दी तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से काफ़ी स्टेप्स उठा रही है, लेकिन लोग जो हैं लोग इसका पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लोगों को इसका पालन करना चाहिए ताकि हमारे पुंछ में ये बीमारी जो है अपने पाँव ना पसार सके।